यही नए नए रेसिपीज के लिए प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो दोस्तों, अनीता आज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक चना दाल, जिसके लिए हम लेंगे पालक, इसे हम 250 ग्राम लिए हैं और इसका जड़ हटाकर धोकर फ्रेश कर लिए हैं, इसे बारीक भी काट लेंगे। चना दाल आधा कटोरी, जिसे मैंने भिगो कर रख लिया है। एक बड़ा टमाटर छोटा छोटा टुकड़ा में काट लिए हैं। एक बड़े साइज का प्याज, चार हरी मिर्च, एक इंच अदरक का टुकड़ा, 7-8 कली लहसुन, इसे हम बारीक काट लिए हैं, और एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा, आधा नहीं है, आधा से कम है, और एक चम्मच भर के घी लेंगे, और सूखे मसाले में लेंगे एक चम्मच खड़ा जीरा, एक तेजपत्ता, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, एक बड़ी इलायची, दो लौंग, इसे हम फोरन में यूज करेंगे, हल्दी आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, जीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी एक चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। सबसे पहले हम चना दाल को पकने के लिए रख लेंगे। इसे हम कुकर में नहीं उबाल रहे हैं, ज्यादा उबल जाता है या टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है दाल, तो दाल में थोड़ा सा टेस्ट अच्छा नहीं आता है सब्जी में। इसे हम सस्पेन में उबाल रहे हैं, आप किसी भी बर्तन में इसे बॉईल कर ले। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, पानी इसे इतना डालेंगे कि ये दाल डूब जाए। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी भी डालेंगे। अब इसे हम ढककर सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। पहले हम दाल को फुल फ्लेम पे पकाएंगे, जब दाल में उबाल आ जाए उसके बाद इसे हम एकदम लो फ्लेम कर देंगे और ढककर पकाएंगे। पालक हम बारीक काट लिए हैं, पालक को हम काटने से पहले धोएंगे, जिससे ये पानी पानी नहीं होगा। धोने के बाद पालक को हम काटेंगे। जब तक हमारा दाल पक रहा है तब तक हम मसाला से भून लेते हैं। इसमें हम 2 चम्मच सरसों तेल ले लेंगे, कढ़ाई हमारा गर्म है। अब इसमें हम डाल देंगे जीरा, दालचीनी का टुकड़ा, तेजपत्ता, बड़ी इलायची और लौंग डाल देंगे। इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम डाल लेंगे लहसुन, लहसुन थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा इसमें, लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पालक में। अदरक भी डाल लेंगे, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हरी मिर्च हम यहाँ पे ज्यादा लिए हैं। अब इसे हम थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे, इसे चलाते हुए गोल्डन करेंगे, जिसे बराबर पक जाए लहसुन और अदरक। थोड़ा सा पक गया, अब हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हम अच्छी तरह से गोल्डन होने तक भून लेंगे, आंच हम मीडियम रखेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन दिखने लगा है, अब हम इसमें डाल देंगे सूखे मसाले, आंच एकदम लो कर देंगे, हल्दी, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, अभी इतना ही डालेंगे। इसे 2-3 सेकंड भूनेंगे, उसके बाद हम टमाटर डाल देंगे, जिससे मसाला हमारा जलेगा नहीं। टमाटर भी डाल देंगे और नमक डाल देंगे, टमाटर जल्दी पक जाएगा। इसे सॉफ्ट होने तक ढक कर पकाएंगे। टमाटर हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है, तेल भी ऊपर आ गया है, मसाला एकदम अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा सब्जी का। और यहीं पर हम पालक डाल देंगे, पालक
पालक को हम अच्छी तरह से मसाला मिक्स कर लेंगे। पालक अभी ज्यादा दिख रहा है, ये गल के एकदम थोड़ा सा दिखने लगेगा। अब हम इसे ढककर पकने देंगे। पालक बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। पालक सॉफ्ट हो रहा है, तब तक हम दाल भी चेक कर लेते हैं। इसे फिर ढक देंगे और आंच हम मीडियम ही रखेंगे। पंद्रह से बीस मिनट हो गया है, दाल का पानी भी सूख गया है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। दाल एकदम सॉफ्ट हो गया है, अच्छी तरह से पक गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। पालक लगभग सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसमें दाल मिक्स कर लेंगे। मेरे दाल में पानी नहीं बचा है, अगर आपके दाल में पानी बच जाए तो उस पानी को भी हम सब्जी में ही मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे एकदम अच्छी तरह से भुनेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। इसे फिर ढक देंगे, दाल जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। दाल पका ही हुआ है लेकिन पालक के साथ भी थोड़ा पक जाएगा। पालक एकदम सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने से पहले हम गरम मसाला डाल लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी में। और पानी भी डाल लेंगे। पानी एक गाढ़ा गाढ़ा हम तैयार करेंगे सब्जी, बहुत ज्यादा सूखा भी नहीं और बहुत ज्यादा ग्रेवी भी नहीं। इस तरीके से हम पानी डाल लेंगे। अब हम इसे ढककर पकने देंगे, 2-3 मिनट पकाएंगे। दाल और पालक पका ही हुआ है पहले से, ज्यादा नहीं पकाना है। सब्जी हमारा बन गया है, बहुत सुंदर दिखने भी लगा है। अब इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब घी डाल देंगे। यदि आप घी पसंद नहीं करते हैं तो घी स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक बार इस तरीके से घी डालकर जरूर बनाएं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। और अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। सब्जी हमारा बन गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। इसमें हम लास्ट में नींबू डालेंगे, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आता है। यदि आपके पास नींबू नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। नींबू के जगह पे अगर आप डाल रहे हैं आमचूर पाउडर, इसे पहले ही डाल लें।